भाजपा महिला मोर्चा ने बजाया चुनावी बिगुल। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर महिला मोर्चा ने बुलाई बैठक। सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा अंतर्गत गुवाड़ी ग्राम पंचायत के जानीबाई के निवास पर पूर्व प्रधान रेखा रोत के मुख्य अतिथि में बैठक रखी गई। इस बैठक में लालूराम पटेल विधानसभा विस्तारक के नेतृत्व में महिलाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव हेतु बूथ स्तर पर घर घर जाकर महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान हेतु विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से महिलाएं एक महिला विधायक के रूप में उम्मीदवार को तय करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा बहुमत से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएगी और विकास की गंगा बहेगी। इस दौरान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमारी प्रजापत, मंडल अध्यक्ष पवित्रा जोशी, महामंत्री अनीता पंड्या, मीना भगोरा, गुवाड़ी सरपंच पुष्पा देवी सरपोटा, तिलक नंदिनी शाह, लक्ष्मी कटारा, सीमा जोशी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता महिलाएं मौजूद थी। आज सागवाड़ा विधानसभा की बैठक, महिला मोर्चा की बैठक रखी जानीबाई के घर पे, और इसमें बैठक में विचार विमर्श किया गया है और संगठन की बात हुई है, और हमारी मंडल अध्यक्ष बहने और मंडल अध्यक्ष महामंत्री बहने और साथ ही मंडल से पधारी है, और बैठक में उपस्थित हमारे लल्लूराम जी भाई साहब संगठन विस्तारक और हमारी पवित्रा जी जोशी और अनीता जी और उप प्रधान जी रेखा जी और महिला मोर्चा की बहनें और संगठन के लिए विचार किया है, और हमारे जो भी ऊपर से निर्देश हुआ है उसके अनुसार हमारी सभी बहनें तैयारी में लगी है भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए। आज हमने यहाँ पर बैठक रखी है। आगे किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज यहाँ पर आपकी? हाँ जी, मैं अनीता पंड्या, महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा सागवाड़ा विधानसभा के। आज हमने महिला मोर्चा के 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर आज बैठक आयोजित की, जिसमें यहाँ के मोर्चा की सभी बहनों से बूथ स्तर पर पहुंचकर और बूथ लेवल के कार्यकारिणी का विस्तार करना और संगठन को मजबूती देकर 2023 को हमारा विधानसभा सागवाड़ा का विधायक हमें बीजेपी का चुनना, इसके लिए उसको लेकर अच्छी तैयारी को लेकर आज शुरुआत कर दी हमने, और हम सचेत हो रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे पास समय अब आ रहा है, तो इसको लेके हमारे विस्तारक जी आदरणीय लालूराम जी हमारे बीच आए, उनका मार्गदर्शन मिला, उन्होंने नई रणनीति के तहत हमें बताया कि किस प्रकार हम बूथों पे जाके महिलाओं की शक्ति आगे बढ़ा के और भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के किस प्रकार हम सहयोग करेंगे और किस प्रकार हम धरातल पे जाके अपने वोटर्स को ला के वहाँ पे चुनाव पे वोट डलवाएंगे, उस प्रकार की हमने रणनीति तय की है। आगामी 2023 चुनाव लेके आज रणभेदी हमने तैयार कर ली है और आज से हमारी शुरुआत है, यही समझ ले। और जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम महिलाओं की ये डिमांड भी है कि हमारा आगामी विधायक भी हमारी एक महिला बहन ही रहे, उसके लिए तैयारी। हाँ बिल्कुल, महिला उम्मीदवार चाहते हैं ताकि हमारे महिलाओं की बात भी आगे तक पहुंचा सके। हमारी धरातल पे जो स्थितियां महिलाओं की, जिस प्रकार मोदी जी ने एक आम महिला की जो कमियां थी उन कमियों को उन्होंने सेंटर से लेकर धरातल तक महिला को जो लाभ दिया, उस प्रकार हमारी भी कोई बहन विधायक रहेगी तो हमें भी आगे लाभ पहुंचेगा, ऐसा हमारा मानना है। आज इस विधानसभा सागवाड़ा के महिला सम्मेलन में हमारी सारी बहनें उपस्थित हुई हैं और एक रणनीति के तहत उपस्थित हुई है कि आज हम मीटिंग करके यह संकल्प ले रहे हैं कि 2023 के चुनाव में हम महिलाएं सबसे ज़्यादा मेहनत करके हमारा विधायक चुनेंगे और यहां से हमारा विधायक बना के आगे भेजेंगे। अब पार्टी के नियमानुसार आरक्षित सीट महिला की कौन से विधानसभा में मिलेगी उसका तो हम कुछ पता नहीं है, लेकिन हम आशा ज़रूर करेंगे कि सागवाड़ा विधानसभा से हमें महिला बहन मिले, और हमारी सारी बहनें मेहनत करने के लिए तैयार है, पूर जोर
मेहनत के साथ में हमारी महिला बहनें बूथ स्तर तक बूथ समितियां बनाएगी और उसके ऊपर लेवल का संगठन है वो साथ मिलकर अच्छा विधानसभा के लिए हम काम करेंगे और आगे मोदी जी की सरकार बनेगी उसमें हमारी बहुत ही अच्छी भूमिका रहेगी। और आधी मातृशक्ति महिला है, आधे वोटर्स मातृशक्ति है, तो हम मातृशक्ति हमारा पूरा जोर अपनाएंगे और यहाँ पर विधानसभा जीता कर ही हम छोड़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य और हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। आज सागवाड़ा विधानसभा के महिला मोर्चा की बैठक में हमारे बीच में हमारे विस्तारक महोदय आदरणीय पटेल साहब इनके नेतृत्व में महिला मोर्चा की बैठक हुई और इस बैठक में महिलाओं को जागरूक किया और 2023 में आने वाले समय में हमारी महिला जो एक्टिव होके धरातल पर जाएगी और महिला हमारे जो वोटर्स यहाँ महिला ज़्यादा वोटर्स है इन महिला वोटर्स को बूथ तक लाकर वोट डालवाने का काम हमारी ये महिला शक्ति करेगी। और आज से संकल्प लिया है कि हम सभी महिला और हमारी ग्राम पंचायतों में भी 50% महिला सरपंच है तो हम सभी मिलकर 2023 में हम मतदान हमारा महिला का प्रथम पायदान पर रहेगा, ये हमने संकल्प लिया है। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।